हेलो गाइस, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। यह सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरलतम होता है। इसकी आधारभूत संरचना सूत्र CH2O कोष्टक में ए बाहर N होता है। मोनोसैकेराइड के कुछ प्रमुख उदाहरण यदि हम बात करें तो ट्रायोस, जैसे कि ग्लिसरेल्डिहाइड, ट्रेट्रोज जैसे कि एरिथ्रोज, और हेक्सोज जिसमें ग्लूकोज, फैक्ट्रोज और ग्लैक्टोज इसके उदाहरण हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि जो हमारा शरीर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए इसकी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर को पोषण के लिए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जिस रूप प्रस्तुत करता है, हमारे आंतें अवशोषित कर पाती हैं, वो ग्लूकोज ही होता है। यानी हम चाहे किसी भी रूप में पोषण लें, कार्बोहाइड्रेट का अप्रोच कह सकते हैं, ग्रहण करें, लेकिन अंत वो हमारे शरीर के अंदर तभी यूटिलाइज हो पाएगा जब हम उसको ग्लूकोज के आसान फॉर्म में तोड़ पाएँ। तो ये थी मोनोसैकेराइड की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।